छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव जलाया गया था, वो ध्वस्त हो गया है। सदन में तीखी बहस के बीच रात 1:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से नामंजूर हो गया। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्षी विधायकों ने सरकार पर मुख्य रूप से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जवाब में मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम जनता की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुँच रही है। आरोप और हंगामे के बीच विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और इसी के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र चल रहा था जिसका आखिरी दिन था कल, और रात देर तक ये जो बहस है वो मानसून सत्र में चलती रही थी पक्ष और विपक्ष के बीच में। विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो ध्वस्त कर दिया गया। हमारे साथ तुलिका सिंह जुड़ी हुई हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। तुलिका, जिस तरह से मानसून सत्र की बात की जाए, जितने भी दिन मानसून सत्र चला है उतने सभी दिनों बिना हंगामे के सत्र कंप्लीट यानी पूरा हुआ ही नहीं, और आखिरी दिन भी कुछ ऐसे ही हालात बने। रात तक करीब 1:30 बजे तक जब सत्र चला तो अविश्वास प्रस्ताव उसके तहत ध्वस्त किया गया था। और कल 1:30 बजे इसका अंत हुआ है, ये सत्र जो है खत्म हुआ है मानसून सत्र। तो 20 तारीख से जब हमने देखा तो हंगामे जो थे वो शुरू हो गए थे। सबसे पहले दिन पीएस सिंह देव जो पंचायत विभाग से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था उसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था, जिसके लिए उसे 10 मिनट के लिए को स्थगित भी किया गया था। तो ये हंगामे हर दिन देखने को मिले, सात दिन जो विधानसभा सत्र चला है, सातों दिन में ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन ये हंगामे नहीं हुए, और बीच हमेशा इसको स्थगित करते रहा गया है। बीच बीच में 10-10 मिनट के लिए, कभी आधे घंटे के लिए इसको स्थगित करते रहा गया है। साथ ही जो ये रेडी टू ईट फूड का मामला उठा था कि रेडी टू ईट फूड नहीं, अप्रैल के जो महीने में उनको नहीं मिल पाया था तो उसको लेकर मामला उठा था। तो उसको जो नीला भेड़िया जो मंत्री हैं उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था कि जो विभाग है उनका उसके खिलाफ जो दुर्ग में अभी याचिका दर्ज हुई है उसके कारण ये वितरण नहीं हो पाया था। तो और साथ ही अभी आखिरी दिन जो हुआ अविश्वास पत्र प्रस्ताव पेश किया गया भाजपा की तरफ से जी। तो इस पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही कहा कि अगर आप अविश्वास पत्र लेकर आइए, हम छत्तीसगढ़ में विकास लेकर आएंगे, हम छत्तीसगढ़ में बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि बदलाव तो कुछ देखने को जमीनी जो हम आम जनता जो देख रही है उसमें बदलाव तो कुछ देखने को नहीं मिला है खास कुछ ऐसा। बस एक ही बदलाव मिला है कि पहले जो बीजेपी है वो जो कांग्रेस है वो भाजपा पर निशाना साधती थी, उनके कमियों को लेकर उन पर निशाना साधती थी, और अब यही काम भाजपा कर रही है कांग्रेस के सरकार में, उन पर निशाना साध रही है। साथ ही अगर हम देखें तो विधानसभा में कई मुद्दे उठे, इसमें विधायकों अब विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री इनकी जो वेतन थी वो बढ़ी, लेकिन जो पिछले 4 दिन से अपना अपने दफ्तरों में ताला बंद कर के जो सरकारी कर्मचारी सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपने महंगाई भत्ता को बढ़ाने की जो मांग को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सातवें वेतन मान की जो मांग कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी अभी भी सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तुलिका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।